फ्रंट पर मेरे साथ देखिए साधु जगबाव राणा। भारत का संविधान बन रहा था, आर्टिकल 311 पे चर्चा चल रही थी। सरदार पटेल चाहते थे कि भारत की ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को एक प्रोटेक्शन दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि वो महफूज होकर काम कर सके। आवाज़ आई, तमाम लोगों ने विरोध किया कि सरदार साहब, आप क्यों ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जाहिर है उस समय सरदार पटेल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये फौलादी ढांचा है। उस समय इसको स्टील फ्रेम कहा जाता था इंडियन ब्यूरोक्रेसी को, खास करके आईएएस आईपीएस को। पटेल साहब ने कहा कि ये फौलादी ढांचा है और पूरा रीढ़ हमारे गवर्नेंस का इस पर डिपेंड करता है, लिहाजा इसको प्रोटेक्शन हम इसलिए देना चाहते हैं कि ये तन के पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने अपनी बात कहे और डरे नहीं। शायद पटेल गलत थे, प्रजातंत्र आया और प्रजातंत्र में एक नया प्रजातंत्र आया है जिसमें राष्ट्रवाद का ज़बरदस्त छौंका है। ज़रा देखिए नमूने इसके, किस तरह अधिकारी, और वो भी एक दो साल के नहीं, 30-30 साल के एक्सपीरियंस के आईएएस, और स्थिति क्या हो रही है। आप उत्तर प्रदेश एक नमूना है। एक पत्रकार गिरफ्तार कर लिया गया, जानते हैं आरोप क्या था। 10 दिन पहले उसने एक वीडियो दिखाया था जो वायरल हुआ, और हुआ भी, होता भी क्यों नहीं। उसमें मध्यान्ह भोजन में बच्चों को रोटी और नमक दिया गया था। उसको पता लगा, वो आया, उसने शूट किया। जानते हैं सोशल मीडिया पे इस समय और इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोग देखते हैं। सरकार की बड़ी किरकिरी हुई होगी, जाहिर है। उसके बाद कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, कुछ अधिकारी, लेकिन ये इतना नागवार गुजरा सरकार की किरकिरी होना कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। और जब पूछा गया, और कोई छोटे मोटे अधिकारी से नहीं, गृह विभाग के बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते उनसे, कि भाई क्या रेशनल क्या है, क्या वो खबर गलत थी, क्या वो फैब्रिकेटेड थी, क्या वो कॉन्कॉक्टेड स्टोरी थी, तो 130 साल की सर्विस का आईएएस अधिकारी जवाब क्या देता है, भाई ये फेयर रिपोर्टिंग नहीं हुई। अगर उनको ये कुछ ऐसा मालूम हुआ था तो पहले अधिकारियों को बताते। शायद उनको प्रजातंत्र में आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में पूरा शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। दूसरा उनका था कि इसको कुछ लोग इसके साथ मिले हुए थे, वो लाए थे, क्योंकि एक दूसरे टीचर से लड़ाई थी। पूछा गया कि वो खबर सही है कि नहीं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो रिपोर्ट आई उसमें उन्हीं के अधिकारियों ने कहा कि हाँ साहब, उस दिन रोटी नमक दिया गया था। वेंडर ने कहा कि हाँ साहब, मेरे यहाँ उस दिन कोई लेने ही नहीं आया सब्जी, पैसे तो मुझे दिए थे। हालांकि ये बात कहलवाई गई होगी, ये भी पॉसिबल है वेंडर से, कि पैसे दिए गए थे ताकि करप्शन का वो ना लगे, आरोप ना लगे। बहरहाल हम उसको मान लेते हैं, लेकिन वेंडर ने ये तस्दीक की कि उस दिन सब्जी नहीं गई थी, और उस रिपोर्ट में आया कि हाँ साहब, उस दिन रोटी नमक दी गई थी। प्रिंसिपल ने भी यही कहा, लेकिन ऐतराज इस बात पे है कि मीडिया ने यह खबर दिखाई क्यों। मेरे 40 साल के प्रोफेशनल करियर में मैंने इतना बड़ा तांडव, और वो भी केचुआ बने ये निरीह ब्यूरोक्रेसी से, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना केचुआ बन जाएंगे कि रीढ़ इनके पास कहीं आसपास नहीं नजर आएगी। और ये बड़े अधिकारी, बलिया में ही एक ऐसा केस हुआ जिसमें दलितों को किनारे बैठा के खाना खिलाया जाता था, उनका अपना बर्तन होता था। जब पूछने वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स गए तो उस हिमाकत देखिए उस अधिकारी की। उसने कहा, ये जो साहब आए हैं राजनीति करने, कितनी बड़ी गाड़ी में आए हैं, 32 लाख की गाड़ी में आए हैं, क्यों भाई तुम्हारा जूता कितने रुपए का है। ये हिमाकत थी। और अगले शब्द में उसने कहा कि पत्रकार भी मुझसे पूछने आए, माननीय भी आए, मतलब कि अगर वो एमएलए बीजेपी का नहीं है तो वो माननीय नहीं है, उसके जूते की कीमत पूछी जाएगी। ये भी आईएएस था। मुझे याद नहीं आता है कि आईएएस इतना निरीह और क्यों होता है, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल मास्टर्स खुश हो जाएं।
इसलिए सारी नाकानून की धज्जी उड़ाते रहो। नोएडा का किस्सा लीजिए, मोदी जी ने क्या कह दिया लाल किले से कि प्लास्टिक फ्री करेंगे 2 अक्टूबर तक। सारा अमला लगा हुआ है गलत स्याह सफेद उठा उठा के बंद कर रहा है। प्लास्टिक कारोबारियों को इश्तेहार आ रहे हैं, ये भी अधिकारियों ने नहीं पढ़ा कि उसमें 50 माइक्रोन से नीचे का वन सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, अधिकारी का कॉलर पकड़ के उठा रहे हैं, उन्हें 151 में बंद कर दे रहे हैं। आप जरा समझिए, अधिकारी शांति भंग कर रहा है और इश्तेहार क्या आ रहा है, साहब बिल्कुल प्लास्टिक फ्री हम कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देख ले कि ये अधिकारी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी बात कितनी सुनी जा रही है। एकल नेतृत्व की एक प्रॉब्लम है जो मोदी जी ने दिया है, इसमें हर आदमी डफली बजाने लगता है और हर आदमी कव्वाली गाने लगता है, आज पर्दा है पर्दा है, और मेरे ख्याल से यही इस देश के ब्यूरोक्रेसी ने किया है। यूपी का ये उदाहरण अपने आप में एक नज़ीर है, यूपी की ये दोनों घटनाएं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए नगर पालिका के अधिकारी भी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में ये पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल बैंड नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बहुत अच्छा उगाही का एक धंधा भी हो जा रहा है। अगर मान गया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो ये वीडियो लेके फोटो दिखा रहे, वो मीडिया को बुला लेते हैं ताकि मीडिया से प्रसारित होगा, मोदी जी खुश होंगे, योगी जी खुश होंगे। कम से कम मोदी योगी को सोचना है कि तुम्हें जनता का वोट लेना है, कल तुम वोट मांगने आओगे, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेंगे उस समय, तो ये फिर जो नई सत्ता आएगी उसके साथ हो जाएंगे। इस ब्यूरोक्रेसी के चरित्र को समझो। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक एसपी कांवर यात्रियों में से एक का पैर धो रहा था, और धो रहा था ये खास बात नहीं है, पैर धोने का वीडियो उसने निकाल के और मीडिया को दिया, और जब पूछा गया तो उसने, उसके बड़े अधिकारी ने, दोनों ने कहा हाँ ये सेवा भाव है, इसमें क्या दिक्कत है, अगर वो गिरता है तो हम उठा के लाते हैं ना, तब तो आप नहीं कहते हम पैर धो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। पैर धोना और संकट में फंसे किसी व्यक्ति को उठा के लाना, उस अधिकारी को दोनों में समझ में इसलिए नहीं आया कि योगी जी को दिखाना था कि देखो हम कितना कांवड़ के प्रति हैं। यहीं के जिले में गाजियाबाद में अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाए। मुझे याद नहीं आता है कि इस तरह की रीढ़ विहीन ब्यूरोक्रेसी पहले कभी रही हो, और रीढ़ विहीन ही नहीं है, हर स्याह सफेद करने को तैयार है। भारत के इतिहास में इसका अगर संज्ञान न लिया गया तो संकट डिस्ट्रस्ट जो होगा वो पॉलिटिकल क्लास के लिए संकट पैदा कर देगा आने वाले दिनों में। एकल नेतृत्व मोदी जी का अच्छा लगता है जब वो करप्शन दूर करता है, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन जब हर आदमी डफली बजाने लगता है, कव्वाली करने लगता है, तब लगता है कि नहीं, एकल नेतृत्व भारत के लिए मुफीद नहीं है। वरना केचुआ बना स्टील फ्रेम, पटेल की आत्मा रो रही होगी कि किस तरह का हमने ब्यूरोक्रेसी सोचा था और कितने ये रीढ़ विहीन होकर आज काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।